नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। प्राइम पब्लिक और सरकार खास प्रोग्राम के तहत हम इस वक्त कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के बेसौरा गांव में आए हैं और जानेंगे कि वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया है, क्या कुछ जनता के लिए किया है, क्या कुछ किसानों के लिए किया है। हम गांव के लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार उनका मुद्दा क्या है और किस मुद्दे को लेकर किस प्रकार के नेता को, किस पार्टी को चुनेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस गांव के लोगों से। सबसे पहले हमारे साथ एक युवा दिखाई पड़ रहा है, क्या नाम आपका? मेरा नाम उमेश कुमार चौधरी है। क्या करते हैं आप? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूं इलाहाबाद में। अच्छा, तो अब की बार आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन हम छात्र ये चाहते हैं कि जो हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट आए, हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज़ें जो है प्राथमिक तौर पे। हम किसान के बेटे हैं, तो हम लोग एक निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस गवर्नमेंट में शिक्षा का स्तर ये हो गया, आप देख रहे हैं कि कोरोना चिल्लाते हैं लोग। अभी मैं दो दिन PGI होके आया, दो तीन दिन पहले, आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ लाइन लगाने के नाम पे ऐसे, मतलब वहाँ कोरोना का कोई गाइडलाइन ही नहीं है, सिर्फ RT-PCR मांगते हैं। और इस दौर युवाओं के लिए ये सरकार कितना बेहतर साबित हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो युवाओं के लिए ये गवर्नमेंट कुछ नहीं किया इसमें, चूँकि इन्होंने हम लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम लोग हर वर्ष 10 लाख रोजगारों देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, रोजगार तो योगी जी कहते हैं मन से चिल्ला के कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। नहीं, वो तो योगी जी कहते हैं कि हम यहाँ फ्रांस और इटली बना दे रहे हैं, तो ये भी सही है ना कि रिजल्ट दिखना चाहिए। तो अब की बार आप इसी सरकार को चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हम इस सरकार को नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में मनमानी है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है, कोरोना काल पे स्कूल बंद है। अगर ऐसे स्कूल बंद रहा तो बिल्कुल जो बच्चे छोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आप एक हाई स्कूल के मैथ टीचर का सालवर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जाए और माननीय अखिलेश जी आए। तो देखा, आपने एक खास युवा से हमने बात किया और इन्होंने बताया अपनी बात कि अपने दिल की दर्द, युवा इस सरकार में किस तरीके से अपने बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है। हमारे साथ गांव के और भी लोग मौजूद हैं, एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम आपका? दादा राम मूर्त। दादा, ये बताइए कि ये सरकार गांव के किसानों के लिए कैसी है या कैसा काम किया है? क्या इस सरकार को फिर आप वापस लाना चाह रहे हैं? नहीं। या परिवर्तन चाह रहे हैं? ये सरकार को मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई सरकार दूसरी आवे, ये नहीं है कि अखिलेश आवे कि मायावती आवे कि कांग्रेस आवे, इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये सरकार चली जाए तो जैसा भैंसा खदेड़ दिए हैं और कहो जोगी मोदी तो उछीन कर दिए, जैसे खाई नहीं। हाँ, मतलब आप पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है ये सरकार, बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। तो देखा आपने अभी दादा हमारे सामने आपने कहा कि जो गांव तमाम गौशालाएं खोली गई हैं और वहाँ केवल एक यही है कि जो किसानों का खेत है वो पूरी तरीके से सड़ चल ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। लेकिन और भी हमारे साथ हैं, साथी हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया? प्रेम पटेल हमारा नाम है। तो प्रेम पटेल जी, क्या करते हैं आप? हम तो डॉक्टरी लाइन से है, मेडिकल लाइन से प्रैक्टिस करते हैं अपने ही वड़वारे में जो है, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अखिलेश जी हमारे जो है, इन्होंने घोषणा पत्र किया है जो है, यदि हमारे गवर्नमेंट बनी तो हम पेंशन बहाल करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है जो है कि यदि अपने बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, 30 साल नौकरी करके आ रहा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये विधायक, मंत्री जो भी हैं, संसद हों या मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, इनको पेंशन मिलेगा। ये 5 साल में कौन सा चमत्कार कर रहे हैं,
कि इनको पेंशन दिया जाएगा और 30 साल नौकरी करके आ रहे हैं उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्यों? क्या मतलब जैसे आप पेंशन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी ने तो कहा ही है अगर मेरी सरकार आती है पेंशन बहाली करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, इसलिए खुश है कि भाई आप 30 साल समाज सेवा करने के लिए आए हैं, किस बात के लिए आपको पेंशन दिया जाए? हम 30 साल नौकरी करके आ रहे हैं जो है हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, आप 5 साल क्यों विधायक लड़ रहे हैं? मत लड़िए आप, जो है जैसे पहले राजा लोग रहते थे कि मान लिया जाता है ये हमारे राजा, ये सरकार चलाएंगे, उस तरह आप भी चलाइए, पेंशन बंद करिए। तो देखा आपने किस तरीके से, जैसे आप कह रहे थे कि अखिलेश सरकार ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम जो है पेंशन बहाली का कार्य हम जरूर करेंगे। देखिए भैया, किसानों की तो हर हाल वही मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जो दर्द इनका है, इनके पास किसानों का मात्र एक आय है वो भी खेती का साधन, जब वही नहीं सुरक्षित रहेगा तो इनके लिए आए कहाँ से ये मजबूत कर सकेंगे अपने। हमारे साथ गांव के ही प्रधान जी मौजूद हैं। मेरा नाम महेंद्र प्रताप वर्मा है। अच्छा, आप तो प्रधान हैं गांव के, गांव का कितना विकास हुआ इस 5 साल में? तो हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ, विशेष करके ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, आप सब लोग किसान बसते हैं, किसान एकदम इस सरकार से परेशान है। खेत में जो भी फसल डालता है सब इनके छोड़े गए बछवा जो साढ़ है सब चर लेते हैं, किसान बिल्कुल बेहाल है इस सरकार से। नहीं, सरकार तो कहती है हमने गांव का बहुत विकास किया, सड़क नाली बिजली पानी और तमाम चीजें तमाम सुविधाएं, जैसे किसान सम्मान निधि, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार सब कुछ कहती है लेकिन गांव में कुछ दिखता नहीं है, कोई भी सुविधा सरकार के दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ के कप्तानगंज के जो विधायक जी हुए 5 साल, आज हमारे गांव में कोई उनको पहचानता नहीं है, कोई चेहरा नहीं जानता है कौन से विधायक हमारे कैसे विधायक हैं। भैया वो तो कहते हैं हमने विकास कार्य बहुत किया, गांव गांव में घूमा, हर जगह हमारी छवि बहुत अच्छी है, क्या कहेंगे इसमें? वो 5 साल में कभी गांव में देहात कहीं आए ही नहीं, किसी मिले नहीं आए, मतलब आप अपने विधायक का ही चेहरा नहीं पहचानते? बिल्कुल, मैं प्रधान हूँ फिर भी मैं नहीं पहचानता कि विधायक जी किस प्रकार से हैं, जनता को कौन कहे, जनता को इसे पहचानती, जब मैं नहीं पहचानता विधायक जी को। भैया देखिए, एक नया मुद्दा आ गया, यहाँ तो आप गाँव के प्रधान है, जो प्रधान जो गाँव का मुखिया है अपने क्षेत्र के विधायक को ही नहीं पहचानते हैं, इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ी खामियाँ भला क्या होगी? एक खास युवा नेता मौजूद हैं जो कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में इस समय गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपकी जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो लगभग 25 सालों से ही आपके ही परिवार का इस विधानसभा क्षेत्र पे पूरे तरीके से दबदबा बना रहा। 1993 से लेकर 2017 तक लगातार आप ही के पिताजी ने यहाँ MLA के रूप में चुनकर और कई बार मंत्री भी बने और यहाँ के क्षेत्रवासियों का लगातार वो 25 वर्षों तक सेवारत रहे, लेकिन अब माननीय राम प्रसाद जी के जो सुपुत्र जी हैं अतुल चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी किए हुए हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं, तो आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय युवाओं के बीच में जा रहे एक युवा नेता भी हैं और गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप गांव के बीच में? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है इन्होंने तमाम नौजवानों से वादा करा था और इन्होंने वादा खिलाफी किया, और हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने खुद भी नौजवान हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, पीछे उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया था, उन्होंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, 22 लाख नौजवानों को IT सेक्टर में रोजगार देने का, तमाम जो नौजवानों को वापस से लैपटॉप का लाभ, कन्याओं को जो कन्या विद्याधन का लाभ, तमाम ऐसी जो पीछे उनकी योजनाएं थी वो आगे उसको फिर से लागू करेंगे और नौजवानों को खास ख्याल रखेंगे। लगातार देखा जा रहा था 1993 से लेकर 2017 तक कहीं कहीं आपके पिताजी लड़े, कई पार्टियों से लड़े और मंत्री भी बने, लेकिन 2017 में मोदी लहर में ये अभेद कवच जो था वो भेद दिया गया, तो किस तरीके से आप फिर उसको वापसी ला सकेंगे? जैसे आप जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम वादे दिखाए थे, तमाम सपने दिखाए थे, चाहे 15-15 लाख खाला धन की बात हो, चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात हो, नौजवानों को रोजगार की बात हो, इन्होंने सपने दिखा के तमाम नौजवानों का वोट लेने का, किसानों का वोट लेने, उसके बाद भी हम लोग को अच्छे वोट मिला था, मगर अब मैं चल रहा हूँ वापस से, लोग अपना इन चीज़ों जो झूठे तमाम वादे किए थे उससे उन लोगों का विश्वास उठ गया है और वो पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि पीछे जो आदरणीय मंत्री जी के वो मदद करते थे उससे बढ़ चढ़ के अब की निश्चित रूप से मेरे हाथों को मजबूत करने का और ताकत देने का काम करेंगे। वर्तमान में जो यहाँ विधायक रहे हैं
वो लगातार 5 साल चले और अपना बड़ा बड़ा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग विकास कार्यों को लेकर हर जगह किया है। आप फील्ड में घूम रहे हैं अब, तो क्या लग रहा है कि वो एक कहीं कहीं ना कहीं जुमलेबाजी थी या हकीकत वो किए हैं विकास कार्य? मैं आप मीडिया कर्मियों, मीडिया के लोगों के माध्यम से ही मैंने अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पे वीडियो देखा। आदरणीय विधायक जी झुक के आंखों में आंसू लेके जनता से माफ़ी मांग रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के हित के लिए काम करा होता तो आज उन्हें झुक के माफ़ी ना मांगना पड़ता, वो गर्व से वोट मांगते। मगर आज उन्होंने काम नहीं किया, जैसे सरकार ने ठगा वैसे उन्होंने भी इस क्षेत्र के लोगों को ठगा और ये लोगों के बीच में नहीं रहे, इसलिए आज उनको हाथ जोड़ के नम आँखों के साथ लोगों से माफ़ी मांगना पड़ रहा है। अच्छा, देखा जाता है जो कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है कहीं ना कहीं यहाँ जातीय फैक्टर बहुत मायने रखता है, जैसे ब्राह्मण हुए, कुर्मी हुए और दलित, ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इसमें किस तरीके से आप अपनी ये मतलब देख रहे हैं इसमें इन लोगों के बीच? आज पहली बार, पीछे भी कई बार ऐसा हुआ है और आज पूरा सर समाज का, चाहे अगड़ा समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, सर समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं बहुत विश्वास से कहना चाह रहा हूँ, जब 10 तारीख को गिनती होगी तो आप लोग भी देखेंगे सर समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता माना और सर समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में साइकिल निशान पे वोट देने जा रहा है। अच्छा, आप तो एक युवा नेता है, क्या मानते हैं कि आपके पिताजी की जो 25 साल की राजनीतिक विरासत यहाँ रही, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों के धड़कन के रूप में बने रहे, तो उसका बेनिफिट आपको इस चुनाव में मिलेगा? निश्चित रूप से, यहाँ जब मैं चलता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता ये मेरे लिए कोई विधानसभा क्षेत्र है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने परिवार में, अपने पिताजी के लोगों के, चाचा लोगों के, अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के बीच में हूँ। ये मेरे लिए एक परिवार की तरह, और मेरा परिवार पूरे मजबूती से मेरे साथ खड़ा है। और आप जब 10 तारीख को गिनती होगी उसको बेहतर रूप से आप देखेंगे नतीजों में। अच्छा, आप अगर मान लीजिए आपकी जनता कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र को आप चुनती है, तो 5 ऐसे मुख्य काम प्रायोरिटी के तौर पे क्या करेंगे आप? जैसे आप जान रहे हैं, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले नौजवानों को रोजगार के, और आपने देखा होगा इन्होंने गड्ढा मुक्त की बात करी थी, मगर तमाम ऐसे गांव सड़कें हैं जहां आपने ग्रामीण लोगों से बात करी होगी जो गड्ढा युक्त है, उन गड्ढों को मुक्त करने का काम, और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का, जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का, तमाम और भी जो मूलभूत सुविधाएं आज जो सांड से किसान परेशान है उसको दूर करने का, और तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं उसको दूर लाने का काम करेंगे और जो दिक्कतें उसको दूर करने का काम। या सरकार तो कह रही थी कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे और कहीं ना कहीं किसानों के साथ सरकार ने छल किया है, तो क्या मानते हैं कि किसान वर्ग का जो वोट है आपकी पार्टी को, आपको कितने मतलब रूप में या किस तरीके से आप देख रहे हैं? जरिए देखिए, इन्होंने किसानों से कहा था कि उनकी किसानों की आय दुगनी करेंगे, मगर पिछले 5 साल में इन्होंने गन्ने का, जो कैश क्रॉप कहा जाता है, गन्ने का 1 भी रुपये नहीं बढ़ाया। इन्होंने वादा किया 25 रुपये बढ़ाएंगे, जब इनको पता चल गया इनके जाने का समय आ गया। और जो ये 2000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं, मैं गांव-गांव चल रहा हूं तो जो इनके जो छुट्टे सांड है वो जो 2000 दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो इनके छुट्टे सांड लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खेती को नुकसान। इन्होंने जो कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो जो 50 किलो की जो बोरी थी उसको 45 किलो उन्होंने कहीं से भी आय दुगनी नहीं करी है, मगर जो आय जो पीछे थी उसको नुकसान जरूर पहुंचाया, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे कड़ुआ तेल की, महंगाई चरम सीमा, हर जगह हर स्तर पे लोगों को नुकसान पहुँचाना। अच्छा, बार बार एक साड़ों का मुद्दा जिक्र कर रहे हैं जी, इस सरकार ने तो तमाम गौशालाएं खोली है और कह रहे हैं कि हमारे सब साड़ और गौ जितने भी हैं गौवंश सब उसमें स्थापित किए गए, रहने की व्यवस्था की गई है सारी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, ये सरकार सिर्फ जुमला फेंकती है, सपने दिखाती है। उसी तरीके से गौवंश की रक्षा की भी इन्होंने बात करी है, मगर मैं जब गाँव-गाँव चल रहा हूँ, लोगों के बीच में चल रहा हूँ, तो मुझे ये लोग बता रहे हैं कि वो सांड से कितना परेशान है, इसकी दवाई जरूर करी जाए, उससे उनको जरूर निजात दिलाया जाए। देखिए, हमारे साथ एक खास युवा नेता कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के, हमने इनसे बातचीत करी और जाना कि किस तरीके से ये लोगों के बीच अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ से अगर जनता इनको जीत दिलाती है तो किन किन कार्यों पर ये विशेष तौर पर कार्य करेंगे। प्राइम टीवी के लिए सहयोगी अतुल के साथ रजनीश कुमार पांडे।
जनपद में आगामी 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण के मतदान में हम अपने प्राइम टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट की तहकीकात करने के लिए हम फिर एक बार मैदान को उतरे हैं, और मैदान में उतरने के बाद हम लोगों से उनके विचार जानेंगे। विचारों में कई ऐसे तरीके के सवाल होंगे कि पिछली सरकारों ने जनता के लिए क्या किया, आगे आने वाली सरकारें जो बनेंगी वो जनता के लिए क्या करेंगी, और कहाँ किसका रुझान है ये भी हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले एक हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शिव सिंह यादव, निवासी घोड़ा खेरा। तो शिव सिंह जी, ये बताएं कि जो 23 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर आप किसको नेता चुनने जा रहे हैं? हम अखिलेश यादव। ऐसी कौन सी बात है जो अखिलेश यादव को ही आप पसंद कर रहे हैं? ये सरकार जब से बनी जुमलेबाजी कर। कौन सी सरकार? भाजपा। क्या जुमलेबाजी होती है बताएं? इनकी कोई भी योजनाएं आज तक धरातल में, सबसे पहले जुमलेबाजी उन्होंने किया। कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बने, कहाँ हिंदू राष्ट्र उन्होंने बनाए? 400 वर्ष मुसलमानों ने राज्य किया, 200 वर्ष कांग्रेस वो अंग्रेजों ने राज्य किया, और 70 वर्ष कांग्रेस ने राज्य किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था, कहते हिंदू खतरे। तो इनके पास झूठ का प्रोपेगंडा, वो ले लेते हैं, झूठी झूठे वादे करते हैं, झूठा काम करते हैं और झूठी झूठी बातें करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि झूठे वादे करते हैं, झूठी जो है बातें करते हैं, पर आपने देखा कि जो आगरा एक्सप्रेस हाईवे हो गया या कानपुर मेट्रो परियोजना हो गई, उस पर क्या किया? नहीं, इन्होंने तो, वह तो अखिलेश यादव ने काम किया था, इन्होंने फीता काटने का काम किया, और कोई भी योजना पहले से चली के कर्जा तो पूरी नहीं हो जाती है, तो जो बकाया रह गए थे वही पूरा कर पाए, एक बात कुछ करे नहीं पाए। तो आपके इस समय जहाँ जहानाबाद विधानसभा से सपा के प्रत्याशी कौन? मदन गोपाल वर्मा। मदन गोपाल वर्मा के बारे में कहा जाता है कि पहले भी विधायक रहे हैं, पर बीच में भी बात सुनने को आती है कि जनता ने जनता के साथ जनता के लिए कोई इन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया, उस पर क्या? जनता के बारे में काम किया, जब समाजवादी पार्टी सरकार बनी है तभी जहानाबाद का विकास हुआ, क्या फतेहपुर का विकास हुआ, और इन्होंने 5 साल में कोई सड़क बता दिया हो, बांदा सागर रोड हो, चाहे कोई भी सड़क हो, कोई भी विकास बता दो, गाय अन्ना करा दी बात हो पाती। आपका नाम जानेंगे? देवव्रत तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ, किस विधानसभा में आता है? जहानाबाद। तिवारी जी, वहाँ से जानेंगे कि आखिरकार जो ये 23 फरवरी को जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उस पर आप किसको नेता मानेंगे, किसको चुनेंगे? अब हम नेता जो बन जाता है वही कोई काम वाम तो करता नहीं, अब ये जो है नेता, हम सोच रहे हैं कि इस बार सपा निकल रही है हमारे यहाँ। आपका सपा निकल रही है, तो अभी जो 5 सालों में जो बीजेपी ने कार्य किए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे पिछले जो विधायक रहे, मंत्री रहे, वो कोई अच्छा काम किया नहीं, कोई काम ही नहीं किया है, और गांव में पार्टी बंदी बना करके गांव में पार्टी बंदी बनाते रहे। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि जो वर्तमान सरकार है इस समय 23 फरवरी के पहले, उन्होंने जो कार्य किए वो कोई अच्छे कार्य नहीं किए? नहीं, हमारे कार्य कोई नहीं, विकास कोई नहीं हुआ है। काम दिखा दे, काम है नहीं दिखा, तो क्या काम हुआ है? काम दिखा तो फिर नहीं जाता। तो वैसे आपने अपनी जनता, ये विधानसभा में जो मंत्री रहे उनके बारे में आपने बात किया, पर उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा जाकर, तुम ये भी तो बताइए आप। वही मुखिया होगा? नहीं, ये तो बात आपकी सही है कि जिसका बहुमत होगा वो मुखिया बनेगा, पर आपके हिसाब से जो आप पूरी तरीके से जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं उसके हिसाब से आप करें कि हमारे यहाँ से सपा निकल रही है, तो सपा तो ऐसा हम सुन रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि पार्टी का जगह जोड़ रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका नाम जानेंगे? मैं रामपाल यादव। आपके विचार से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश।
क्या बात है जो आप सारे लोग अखिलेश अखिलेश ही चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्ला रहे हैं, हमें उतना आज़ादी मिली थी, हमें बड़ा कष्ट है। हम किस में कष्ट है आप? अरे भाजपा सरकार। क्या हो गया? अरे हर हम के हमारे मर गया, हरहा मर के साथ कारण पर और हमारे खेती के ऊपर बैठ गए और सरकार में हमारा बहुत कष्ट। और क्या तकलीफें आपको इस सरकार में नजर आई? अरे हमका सरकार में खासो कष्ट है। अरे डीजल दर हमका महंगा, बिजली का बिल महंगा, हमका गेहूँ हमारा मरता विकास है और खाद हमका तेज मिले थी, पानी खाद 400 रुपया बीघा में मिले थे पानी। तो सरकार तो नहरों पे पानी दे रही है ना? अरे कहाँ पानी दे, क्या को कहा दे? अरे पानी आनी नहीं दे जो सरकार बहुत निकम्मी है। हम ये सरकार का उखाड़ फेंका या बच नहीं सकते। इसके पहले जो सरकार ने काम किए, बहुत सारे काम किए, गड्ढा मुक्त सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त बनाया, तो क्या वो भी जब को कहा देते हम आदमी रूल हो जाए गड्ढा में मारे कोला खाते हैं गाड़ी को टूट जाते हैं, एक साल का कहा नहीं तो हम नहीं चलते। ज्यादा मीडिया कहा थी है? अरे बहुत कष्ट है सरकार, बहुत कष्ट है। तो आप उत्तर प्रदेश की मुखिया के रूप में किसे देखेंगे? अरे अखिलेश, अखिलेश यादव, जिंदाबाद, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर। कहाँ के रहने वाले? बड़ी देवरी। चंद्रशेखर जी, हम आपसे आपके विचार जानेंगे और आपके क्षेत्र की जनता के विचार जानेंगे कि आखिरकार इस 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण में जो फतेहपुर जनपद में मतदान होने जा रहा है उस पर किसको आप चुनेंगे और उत्तर प्रदेश में कौन मुखिया होगा ये? सर उस बार तो हमने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी ने ये किया कि गम ने ढीवा दिया, 100 नंबर चलाया अखिलेश ने और नाम इनका हो गया और जौन है तो हमने सोचा कि इनको बदल दिया जाए तो बीजेपी लाए, बीजेपी में पार्टी बंदी करा दिया तो इसलिए अब इस बार तो बीजेपी में नहीं देंगे। फिर सोचे क्यों? बीजेपी ने तो बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए जैसे कि रोडों का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, मेट्रो का निर्माण, इस पे क्या कहना? कहूँ दिखाई नहीं दे रहा कुछ, हर रोड में गड्ढा है, हर रोड में गड्ढा है और जो है हर रोड में गैया सांड फिर रहे हैं, गैया सांड से फसल नुकसान किए जाती हैं और जिस किसी विधायक के पास जाओ तो वो कहता है ठीक है पुलिस नहीं आएगी, घर अज्ञात में झगड़ा कोई करता है, फांसा कोई जाता है, तो ये है सरकार। ये नोटबंदी का जो असर देखने को मिल रहा है इस पर क्या कहें? नोटबंदी में तो रईस फायदा कर पाए, जो गरीब थे वो बेचारे सड़कों पे तड़प तड़प के मर गए, कहीं नोट नहीं बदला गया, उनके नोट सड़ गए, अभी लोग 50,000 सही से पड़े, तो जो है सरकार में सब कुछ गड़बड़। क्या इसके पहले जो सरकारें रहीं जिन्होंने अच्छे कार्य करवाए उनके बारे में क्या? सरकार अखिलेश की रही, अच्छा कार हुआ लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बीजेपी लाए और बीजेपी में हम पुराने बीजेपी भाजपा ही हैं लेकिन जो है अखिलेश ने बढ़िया काम किया, फिर भी हमने अखिलेश को बदला। सब लोगों की सोच ये हुई कि बीजेपी लाओ, बीजेपी आई तो नेता ऐसे हो गए कि सबको लूट लिया, सब जो है पार्टी बंदी करा दिया, हर गाँव में पार्टी बंदी बंदी का असर क्या हुआ? पार्टी बंदी का असर ये हुआ कि अब सब लोग सपा सपा चिल्ला रहे हैं, इस जगह बात करते हैं कहते हैं सपा में। धन्यवाद। ये बताएं कि आपकी बिजनेस में क्या कोई समस्या आई या जो 23 फरवरी को होने वाला मतदान है उस पे आप किसका समर्थन? आप बिजनेस में तो 2-3 सालों से आप लोग देख ही रहे हैं, व्यापार 50% आधा व्यापार जो बिक्री हम लोग पहले करते थे सुबह से शाम तक, मान लो मेहनत करते थे 5-6 मजदूर थे, आज हमने मजदूर 3 रखे, 3 मजदूर भी घटा दिए, बिक्री आधी हो गई। तो ये सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान किया, 2 सालों में लॉकडाउन में नुकसान किया और उसके पहले नोटबंदी में नुकसान किया, तो व्यापारियों की हालत तो बहुत ख़राब है। GST एक अलग से बोल दिया सिर्फ, तो हम लोग तो बहुत, हम लोग जो 23 तारीख को ये सरकार को बदलने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट। तो क्या ऐसा नहीं लगता विनीत जी कि इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि जनता का रुझान भी फिर पुनः बीजेपी की तरफ है, उस पर क्या कहते हैं? बीजेपी की तरफ अब आप बोल रहे हो बीजेपी की तरफ ध्यान है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, स्थिति ये है कि छोटा आदमी और छोटा होता चला जा रहा है, बड़ा आदमी और बड़ा होता चला जा रहा है,
कुछ लोग केवल है पूंजीपति, उन पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बाकी सब मिडिल क्लास व्यक्ति आदमी खा कमा नहीं पा रहा। किसान अपनी ये दोगुने आय के लिए बोले थे, उनका चारा ही गाय खा, गेहूँ सब अनाज सब गाय खा रही है। भाई सरकार ने तो मुफ्त में भी राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में राशन ये मिल रहा है कि 80 रुपए का राशन गेहूँ जिसे कहते हैं, और 150 का थैला पकड़ाया जा रहा है मोदी के नाम का। तो ये है राशन की स्थिति, और जहाँ पे राशन बटे हैं वहाँ लोगों से जाकर आधे में कंकड़ कांच निकला है, आधे में तो बालू निकली है, ये स्थिति है राशन की। मेरा नाम प्यारेलाल जी है, प्यारेलाल जी ये आगामी चुनाव में किसको मतदान करेंगे? सरकार ने वो बनाए थे और वही आज उन्हीं के उसमें जो है सब चल रहा है, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस है और उसी में जो है सब पूरा चल रहा है, इसलिए अखिलेश सरकार बनी है। तो ये जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है इसकी क्या खूबियाँ आपको नज़र नहीं आ रही? इसकी खूबियाँ जो है साहब यही है कि लोगों को जो है इतना जो है गल्ला जो है दे दे के और यही अपना जो कर रही है। बस गल्ला तो खाने को मिल रहा है ना? नहीं गल्ला मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है मगर उसमें कोई वो नहीं हो रहा है। तो और ये जो पेंशन वृद्धावस्था पेंशन जो थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट दे रही है, उस पर क्या कहना है? ये पेंशन वगैरह तो अभी हम लोगों के 7 साल तो मिली ही नहीं है, पेंशन तो मिली नहीं है, आगे क्या होगा? ये कोरोना जैसी बीमारी पे जो मुफ्त वैक्सीन लगी उस पर क्या कहना? वैक्सीन तो लग गई सर और उसमें कोई फायदा नहीं, सिर्फ यही है कि अब की बार अखिलेश सरकार बुला ली, हमारा यही है। देखिए हमने आम जनता के विचार जाने, आम जनता के विचार के साथ साथ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, हमने दुकानदारों से बात किया, बुजुर्गों से बात किया, युवाओं से बात, हर लोग यही कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि जो चित्र सामने आए, जो बातें सामने आई, उससे ऐसा लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है, बीजेपी की जो उपलब्धियां रहीं उनको पूरी तरीके से नगण्य करते हुए जनता परिवर्तन चाहती है। अब ये देखने वाली बात है कि फतेहपुर जनपद में 23 फरवरी को चौथे चरण में जो मतदान होना है और 10 मार्च को जो मतगणना होगी उसमें कौन उत्तर प्रदेश का मुखिया बनेगा, कौन किस विधानसभा का नेता बनेगा, ये सोचनीय प्रश्न है। कैमरामैन नीरज के साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेह। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।